हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, स्टैंडर्ड 10th का। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो लेट अस बिगिन विद अ न्यू सेगमेंट। केमिस्ट्री हम लोग अभी तक नहीं पढ़ा रहे थे, अभी तक हम लोग का मैथ्स और फिजिक्स ही चल रहा था, तो आज से केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू डील इज कार्बन। व्हाई कार्बन इज सच अ स्पेशल एलिमेंट। कार्बन का ऑलमोस्ट 3 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग कहते हैं वो होल एंड सोल्ड कार्बन पे डिपेंड करता है। तो ये कार्बन जो 3 मिलियन कंपाउंड्स अपने साथ बना के रखा है, व्हाट इज द स्पेशलिटी इट हैज, व्हाट इज द यूनिकनेस इट हैज दैट इट कैन मेक सो मेनी कंपाउंड्स। तो इसका दो यूनिक नेचर होता है जिसके कारण कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। व्हाट आर दोज टू यूनिक नेचर्स? द फर्स्ट इज टेट्रावेलेंसी एंड द सेकेंड इज कैटेनेशन। वॉट इज टेट्रावेलेंसी? टेट्रावेलेंसी मीन्स 4 वेलेंसी। लाइक वॉट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? दैट इज 6। हाउ डू वी ब्रेक इट टू 4? सो दिस 4 इज इट्स वेलेंसी। सो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। और वैलेंसी कितना है? 4। तो ये 4 है, दैट इज वाई इट इज टेट्रावेलेंट एंड इट कैन फॉर्म, इट नाइदर लूज नॉर गेन इलेक्ट्रॉन्स, रादर इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, देयरफॉर जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स? द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन को शॉर्ट में आप लिख सकते हो सेल्फ लिंकिंग। कार्बन हैज अ वेरी यूनिक नेचर दैट इट कैन लिंक इटसेल्फ विथ इट्स ओन एटम्स। तो ये जो लिंकिंग करता है कार्बन, इसको कहते हैं हम लोग कैटेनेशन, जो 3 तरह के कैटेनेशन फॉर्म करता है। नंबर ए इज चेन, नंबर बी इज ब्रांच्ड एंड नंबर सी इज साइक्लिक, जिसके ड्राइंग से आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे चेन, अगर कार्बन अपने साथ इस तरह का चेन बना सकता है, अनलिमिटेड चेन इट कैन फॉर्म, राइट? तो ये जो सेल्फ लिंकिंग है, कार्बन खुद के साथ खुद का जो लिंकिंग कर ले रहा है, दैट इज ओनली कॉल्ड कैटेनेशन। तो ये जो चेन कैटेनेशन है, एक ऐसे होता है ब्रांच्ड। ब्रांच्ड मतलब क्या होगा? ये कुछ इस तरह से चेन हो रहा है, उसके नीचे ये ब्रांच फॉर्म कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रांच्ड। एंड व्हाट इज साइक्लिक? साइक्लिक का एग्जांपल आप लोग ऐसे ले सकते हो, साइक्लिक के एग्जांपल कुछ ऐसे ले सकते हो, ये एक ऐसा कंपाउंड है, यहां हाइड्रोजन में दे रहा हूं ऑलरेडी बैलेंस करने के लिए। तो कितने कार्बन एटम्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट? एक ऑल्टरनेट कर करके हम लोग अगर यहां पे डबल बॉन्ड कर दे तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन, राइट? तो ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स इज कॉल्ड ऑल्सो कैटेनेशन, बट इट इज साइक्लिक। नाउ दीज आर द 3 केसेस। द फर्स्ट केस इज चेन, सेकेंड इज ब्रांच्ड, थर्ड इज साइक्लिक। इसमें मैंने हाइड्रोजन दे के कंप्लीट कर दिया है बॉन्डिंग चार, इसमें अभी भी कंप्लीट नहीं किया है, जस्ट लिंकिंग दिखाने के लिए ये मैंने शो किया है, राइट? So this is, these are the two unique natures, unique properties of carbon. The first is tetravalency and the second is catenation, which contains hydrogen and carbon. Hydro for hydrogen and carbon. Examples, there are many examples like methane CH4, ethane C2H6, acetylene C2H2. There are many. So hydrocarbons are of 2 types. The first is called saturated hydrocarbon and the second is called अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है? अगर कोई हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो रहा है बाय शेयरिंग सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन वी कॉल इट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें जो शेयरिंग होता है वो क्या होता है? सिंगल पेयर, यानी कि डायरेक्ट आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। इसमें क्या होता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर हम लोग मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें,
तो आपको देखिएगा कि यहाँ सारा सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड मीन्स इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन राइट। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर टू टाइप्स, एक तो डबल बॉन्ड होगा, एक क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे एग्जांपल ले रहे हैं डबल का, डबल का एग्जांपल लेते हैं ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं इथीन, इसको कहते हैं इथीन ठीक। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल ले, टी फॉर ट्रिपल बॉन्ड लिख दे रहा हूं, ट्रिपल बॉन्ड का तो यहां पे हम लोग एसिटिलीन का एग्जांपल ले लेंगे राइट। इसमें क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें क्या है डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है सिंगल सिंगल बॉन्ड है राइट। सो रिमेंबर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एक और चीज, ये तो पहला डिफरेंस आप लिख सकते हैं, डिफरेंस में ये पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या है, रिमेंबर इट इज लेस रिएक्टिव, इट इज लेस रिएक्टिव, वेयर एज इट इज मोर रिएक्टिव, इट इज मोर रिएक्टिव ओके। दीज आर द टू डिफरेंसेस ऑल्सो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का राइट। अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है, जिस इसको हम लोग नाम देते हैं एल्केन, आगे हम लोग एल्केन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्या है एल्केन, ऑल द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एल्केन्स। वेरस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, दो टाइप्स होता है, एक तो डबल बॉन्ड, एक क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है उसको हम लोग कहते हैं एल्कीन, इसको भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको हम लोग कहते हैं एल्काइन राइट। तो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट आर एल्केन्स, एल्केन्स मीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू टाइप्स एल्कीन एंड एल्काइन।